हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर वाले क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है बताइए, स्क्वायर क्या होता है? अब तक आपने अगर हमारे पुराने अगर वीडियो देखे तो आप बता सकते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर इस तरीके की आकृति होती है जिसकी चारों ही भुजा कैसी होती है? चारों ही भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है। ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है और ये भी भुजा ए है, ठीक है। और ये वाला भी 90 डिग्री होगा। चारों ही कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के। चारों कोण कैसे होंगे? समकोण होंगे। कैसे होंगे? समकोण होंगे। समकोण होंगे, समकोण का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल, ठीक है। चारों कोण समकोण होंगे। एक तो क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होगी, चारों कोण बराबर होंगे और जो वर्टेक्स आमने सामने के जो वर्टेक्स है, जैसे वर्टेक्स को मिलाएंगे तो जो ये वाला वर्टेक्स होगा और जो इन दोनों के ये दोनों वर्टेक्स है, शीर्ष है, इन शीर्षों को मिलाने पर बीच जो वर्टेक्स बनेगा, दोनों की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर। और जैसे ही वर्टेक्स खींचेंगे, ये इसको कितना बराबर भागों में बांट देगा, ये वर्टेक्स इसको, ये जो डायगोनल खींचा हमने, ये जो हमारा एंगल है, इसको कितना भागों में बांटेगा? दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब यहाँ दोनों जो वर्टेक्सों से खींचने पर जो ये हमारा डायगोनल बन रहा है, दोनों डायगोनल ये एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। कहां पर काट रहे हैं? ओ पर काट रहे हैं। तो यहां से ये हमारा जो वर्ग है ए बी सी डी, जो हमारा स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर? ए बी सी डी, ये हमारे क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर में जो ए से ओ तक की जो दूरी होगी, ए से ओ तक की जो दूरी है, वो किसके बराबर होगी? ओ से सी के बराबर। ये भी बराबर होगी, जो किसके बराबर होगी? ओ से बी के बराबर। और ये किसके बराबर होगी? ओ से डी के बराबर। यानी ये चारों जो भुजा होगी, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां, चारों क्या होगी? बराबर होगी। कैसी होगी? ये इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, चारों बराबर होगी। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये भी वर्टेक्स से ये डायगोनल खींचा जा रहा है, ये डायगोनल इसको कितना काटेगा? बराबर भागों में बांटेगा। तो 90 का आधा कितना होता है? 45 डिग्री। ये भी कितना होता है? 45 डिग्री। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 45, तो ये कितना हो जाएगा? ये ट्राइंगल बन रहा है यहां से देखेंगे तो यहां से ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ये कितना होगा? 90 डिग्री। यानी जो आपके पास में डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को कितने पर काटते हैं? 90 डिग्री एंगल पर काटते हैं। कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री एंगल पर काटते हैं। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो दोनों ही जो डायगोनल है, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटते हैं, ठीक है। और आपके पास में ये जो डायगोनल दे रखे हैं, कौन से डायगोनल है? एक तो डायगोनल दे रखा है ए सी, ये डायगोनल किसके बराबर होगा? ये डायगोनल बी डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बी डी के बराबर होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहां से बता सकते हैं कि ये डायगोनल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। डायगोनल डी बराबर क्या होगा? तो डायगोनल डी बराबर क्या होगा, तो कैसे पता लगाएंगे? तो इसका पता कुछ इस तरीके से लगेगा कि ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। या इस तरफ से भी दे ले, क्योंकि दोनों डायगोनल क्या है? बराबर ही है। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये 90 का आधा, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये भी कितना है? 45। तो ये वाला एंगल 45, ये वाला 45 और ये वाला 90। तो ये एंगल, ये जो आपका डायगोनल बन रहा है वो कितना होगा? तो आपके पास में अगर तीन एंगल और उनके साइड का रेशियो आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या आएगा आंसर। तो देखिए, इनका रेशियो होता है 1:1√2, ठीक है। इन 45 के सामने वाली साइड क्या होगी? 1। ये 45 के सामने वाली साइड क्या होगी? 1। और ये जो डायगोनल बन रहा है, इसमें 90 के सामने वैल्यू, 90 के सामने वाली कितनी हो जाएगी? √2। तो ये कितनी हो जाएगी? √2। क्या हो जाएगी? √2। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगी? साइड तो एक हो जाएगी और इसका डायगोनल कितना होगा? √2। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब ए जितना बढ़ेगा, अगर ए अगर 2 कर देते हैं तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। इसका मतलब क्या है? डायगोनल जो होता है √2 ए होता है, यानी 2
जो रूट होगा, रूट में जितनी साइड से मल्टीप्लाई किया जाएगा उतना का उतना ये डायगोनल भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइड का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये डायगोनल निकालना होता है। अब डायगोनल आपको पता चल गया कि आप एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया, एरिया क्या होगा इसका, स्क्वायर का एरिया, ये आपके पास में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इसकी कितनी है ए, चौड़ाई कितनी है ए, और ए और ए का मल्टीपल क्या होता है ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। और कैसे एरिया निकाल सकते हैं, एक तो एरिया निकालने का यह तरीका, एक एरिया और कैसे निकल सकता है क्या आप बता सकते हैं, तो आप देखेंगे तो डायगोनल का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, डिवाइड बाय टू कर दूं, तो भी एरिया निकल जाएगा। कैसे, ये जो डायगोनल देर का, आप डायगोनल की जगह स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर करना, डायगोनल का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में कितना निकलगा टू, और टू से टू कट जाएगा क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होता है एरिया होता है। इस तरीके से इसका आप डायगोनल से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे सीखेंगे नए वीडियो में नया कॉन्सेप्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।